आज कक्षा 10 कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है सामाजिक विज्ञान देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 और 2023। आपके से अनुरोध है कि आप वॉच टाइम बढ़ाना, खूब देखना, दो तीन बार देखना, वीडियो को स्किप मत करना। आपको कई प्रकार के पेपर मिलेंगे, अभी एक से दूसरा सेट भी डालेंगे सभी विषय का। सभी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सभी प्रकार के पेपर मिलेंगे, देख रहे हैं। अगला इसमें हम डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं, बहुविकल्पी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, चार विकल्प दिया गया है इसमें सही है। दूसरा है लूनी नदी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, भारतीय मरुस्थल की। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान प्रभाव में आया 26 जनवरी 1950, तीसरा विकल्प। चौथा प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में किन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, काले लोग के साथ। पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, देख रहे ना पेपर अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन है सिंधु नदी की कुल लंबाई है लगभग 3000 किलोमीटर पर लगाएंगे, चौथा विकल्प। छठवां क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में जनसंख्या को शामिल किया जाता है परिसंपत्ति के रूप में। सातवां क्वेश्चन है लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था, 1774 ईस्वी में, टिक कर देंगे। टाइद था धार्मिक कर, चार विकल्प दिए हैं, टाइद था धार्मिक कर। नौवां है हथकरघा उद्योग आता है प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है रूस का मार्क्सवादी क्रांतिकारी तथा सिद्धांतकार था रूसो। क्वेश्चन नंबर 11 असुरक्षा किसके प्रति एक मापक है, व्यवसाय के प्रति, व्यवसाय में असुरक्षा बना रहता है लाभ हानि का। एल नीनो है गर्म समुद्री जलधारा। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो को पूरा देखना, इसकी मत करना, लाइक शेयर करना, अपने मित्रों के पास भी करना, करवाना सब्सक्राइबर, ताकि आपको प्रतिवर्ष पेपर मिलता रहे। इसी तरह से वार्षिक अर्धवार्षिक मार्जल पेपर सभी प्रकार के। कवित्री द्वारा अपने घर में खाना बनाना, बर्तन कपड़े धोना क्रिया है गैर आर्थिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 बोल्शेविकों का नेता था व्लादिमीर लेनिन। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 17 देश में संकट काल की घोषणा कौन करता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18 है सामाजिक समझौते के आधार पर सरकार की वकालत किसने की थी, अब रूसो ने की थी। 19 क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार गुलबर्गा कर्नाटक की कुल जनसंख्या, घा विकल्प सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है शिक्षित माता पिता ज्यादा निवेश करते हैं बच्चों की शिक्षा पर। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है आपको लिखना है, देख रहे दिखाई दे रहा होगा फ्रांस की राजधानी आपको दिखाई दे रहा होगा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बहुत ज्यादा पढ़ने से आपको लाभ नहीं होगा, दिखाई दे रहा है आपको ना अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, देख रहे हैं ना, ए खंड ब का पार्ट सी है, देख रहे हैं 150 लॉन्ग आंसर है, 150 शब्दों में लिखना है। देखिए सभी दिखाई दे रहा है लोकतंत्र के गुण, ये जो हम आप रह रहे हैं लोकतंत्र ही है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र से बहुत बड़े ही लाभ होते हैं, इसका जरूर लिखना। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, छोड़ देने से कोई नंबर नहीं मिलेगा, अटेम्प्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नंबर अवश्य मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।